दोस्तों आज हम सोल लैंड की न्यू एपिसोड 249 की ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं टेंशन को, जो कि उन तीनों एंट्स एम्परर के साथ फाइट करने के बाद उन तीनों को टोटली मार चुका होता है। जैसे ही टेंशन उन तीनों एंट्स एम्परर को मार देता है तो उसी के साथ ही टेंशन उन तीनों की सोल रिंग को अब्सॉर्ब करने के लिए नीचे बैठ जाता है। वैसे टेंशन ने उन तीनों एंट्स एम्परर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके मार दिया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अब टेंशन को उनकी सोल के साथ फाइट करना होगा। इसमें उनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट की ट्रेलर में नोटिस किया होगा कि टेंशन तीनों एंट्स एम्परर से फाइट करते हुए हारता जा रहा था, तो वो फाइट इन तीनों एंट्स एम्परर के सोल के साथ ही चल रहा था। उसको मैंने ठीक से समझ नहीं पाया। अब आगे जैसे ही टेंशन तीनों एंट्स एम्परर की सोल में इंटर करता है तो उसी के साथ ही एक एंट टेंशन को पीछे से पकड़कर उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर टेंशन अपनी सोल स्किल का यूज करके कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वही इसी मौके का फायदा उठाकर सभी एंट्स एम्परर अपनी एक अजीब सी एबिलिटी का यूज करते हुए टेंशन पर ब्लेड से अटैक करने लगते हैं। इतना अटैक लगने के वजह से टेंशन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। अब उसे लगने लगता है कि वो सोल स्किल के बिना इनका सामना नहीं कर सकता। तभी टेंशन को एक बात याद आती है, जब तांगाओ ने टेंशन को द ग्रेट सुमेरु हैमर टेक्निक सिखाया था और इसको सिर्फ मुसीबत के टाइम ही यूज किया जा सकता था। वैसे दोस्तों अच्छी बात तो ये है, जब से टेंशन ने टेंशन को इस टेक्निक को सिखाया है तब से लेकर टेंशन इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था और इसको टोटली मास्टर भी कर लिया था। इसी बात को याद करते हुए टेंशन द ग्रेट सुमेरु हैमर टेक्निक को यूज कर देता है और इसकी मदद से एंट्स एम्परर के सोल के साथ इस फाइट को जीत लेता है। जैसे ही टेंशन उनके सोल के साथ जीत लेता है तो उसी के साथ ही टेंशन उनकी एनर्जी को हैमर के साथ अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है और उसी के साथ ही हम देखते हैं तीनों सोल रिंग को एक साथ अब्सॉर्ब करने की वजह से टेंशन को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वैसे दोस्तों अगर यहाँ पर एक नॉर्मल सोल मास्टर होता तो उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती थी और वो तुरंत ही मारा जा सकता था, लेकिन टेंशन के साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसीलिए टेंशन एक ट्विन्स टाइप की सोल मास्टर है और इनकी बॉडी काफी ज्यादा मजबूत है, इसीलिए टेंशन के साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही टेंशन उन तीनों सोल रिंग को हैमर के साथ जोड़ लेता है तो उसी के साथ कहता है, मैंने लकी से एक ही टाइम में 390,000 ईयर्स के स्पिरिट रिंग को सक्सेसफुली अब्सॉर्ब कर लिया है और मैं जिस काम के लिए इस फॉरेस्ट में आया था वो काम अब पूरा हो चुका है और अब मेरे हाउ टियन हैमर में टोटल 8 स्पिरिट रिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरी यहाँ आने की मकसद पूरा हो चुका है। इसी समय टेंशन ये बात कर ही रहा था तभी टेंशन कुछ महसूस होने लगता है। उसकी सोल पावर उसकी ही बॉडी में सप्रेस हो रहा है और उनकी डिवाइन ट्राइडेंट की पावर उसकी ही अंदर सेंस हो रहा है। तभी एक आवाज आती है, कैसे हो टेंशन? वैसे इस आवाज को टेंशन पहचान नहीं पाता और वह मन ही मन डरने लगता है। टेंशन को भी पता होता है कि अगर इस हालत में वो किसी से भी फाइट करता है तो वो जरूर हार जाएगा। तभी आसमान में एक पोर्टल से क्वीन रेंक्सु बाहर आती है और आते ही टेंशन से कहती है, टेंशन लंबे समय से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। ये सुनकर टेंशन क्वीन रेंक्सु से कहता है, रेंक्सु तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हो। और ऐसे ही क्वीन रेंक्सु टेंशन के साथ बातें करते करते उसको कई तरह की ऑफर देती है, लेकिन टेंशन उसकी सभी ऑफर को ठुकरा देता है और उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों फाइट करते हैं। ये सुनकर क्वीन रेंक्सु गुस्से में आ जाती है और टेंशन से कहती है, तो चलो बैट लगाते हैं किसकी पावर ज्यादा है। ये कहते ही दोनों ही अपनी पावर को चेक करने लगते हैं। तभी टेंशन को पता चलता है कि क्वीन रेंक्सु एंजल गॉड की सक्सेसर है और उसे ये भी पता चल जाता है कि अब वो गॉड बन चुकी है। ये देखकर टेंशन कहता है, सच में क्वीन रेंक्सु का वेपन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और यह मेरी सी गॉड ट्राइडेंट की एनर्जी को सप्रेस कर रहा है। तभी इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन रेंक्सु अपने 8 सोल स्किल से टेंशन पर अटैक करने लगती है। इधर टेंशन को इस अटैक से बचने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि क्वीन रेंक्सु अब गॉड बन चुकी थी, इसलिए उनकी सभी सोल पावर इंक्रीज हो चुकी थी और उनकी सारे सोल रिंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। वैसे दोस्तों अगर आपको इन दोनों के बीच में फाइट कैसे है अगर आप देखना चाहते हो मैं इसकी नोवेल को एक्सप्लेन करके बता दूंगा, कमेंट में जरूर बताना। यदि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।